बींग द डिफेंडेंट, बींग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई, फिर आप तो वेलकम करेंगे ना कि इस महफूज फैसले को जल्द अज जल्द सुना देना चाहिए, इसको पीपल्स पार्टी या नून लीग के केसेस के साथ क्लिप नहीं करना चाहिए, इफ यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट। हाँ देखिए, उसमें पीटीआई का एक मौकफ रहा है और वो जायज भी था कि एक इक्वल लेवल जो है ना, वो फील्ड जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और आज जब ये फैसला महफूज हुआ तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बिल्कुल वाजे किया और उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फॉरेन फंडिंग के या ममनूआ फंड्स के या बेजाब्तियों के जो मामलात हैं वो भी काफी तेजी में उनको भी सामने लाया जाएगा और उनको भी निपटाया जाएगा और किसी से इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। अगर वो उनकी ये स्टेटमेंट है और अगर वो वाकई इस पे यकीन रखते हैं तो पीटीआई को कोई एतराज नहीं है कि वो अपनी फाइंडिंग्स दे दें। अगर उनकी फाइंडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ होंगी, हम समझेंगे तो हम कबूल करेंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई ऐसी हमें लीगल फ्लॉ नजर आया तो वो तो हर शख्स का और हर पार्टी का ये हक है कि उसको हायर फोरम में उसको। ठीक है।